शामली शहर के मां सावित्री हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी केस बिगाड़ने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। नवजात की मौत हो जाने पर पीड़ित पक्ष के लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचकर हंगामा काटा। हॉस्पिटल संचालक पर ऐप प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा डिलीवरी कराने और नवजात की मौत हो जाने के बाद परिजनों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। हंगामा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष को समझाकर शांत किया। पीड़ित पक्ष सदर कोतवाली में हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग। जनपद शामली शहर के मोहल्ला नया बाजार निवासी सुनेता पत्नी रोहित को परिजनों ने शुक्रवार की रात डिलीवरी के लिए बुढ़ाना रोड स्थित मां सावित्री हॉस्पिटल व डायग्नोस्टिक सेंटर पर भर्ती कराया था। सुनीता के परिजनों के अनुसार अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी की बात कही गई थी। अल्ट्रासाउंड और अन्य रिपोर्ट भी सामान्य बताई गई थी। इसके बाद शनिवार की सुबह महिला की डिलीवरी हुई तो अस्पताल वालों ने बच्चे की गंभीर हालत बताते हुए उसे परिजनों को सौंप दिया। बच्चे में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन अस्पताल वालों ने परिजनों को बच्चे की सांस चलाने की बात कहकर बच्चे को हायर सेंटर में दिखाने के लिए कहते हुए बेहोशी की हालत में प्रसूता को भी डिस्चार्ज कर दिया। परिजन बच्चे को पानीपत हायर सेंटर लेकर पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने बच्चे की 3 घंटे पहले मौत होने की बात बताई। इस पर परिजनों में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि जब पीड़ित पक्ष के लोग अल्ट्रासाउंड और डिलीवरी की रिपोर्ट लेने के लिए दोबारा अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने रिपोर्ट भी देने से इनकार कर दिया। इस पर परिजनों में आक्रोश फैल गया। पीड़ित पक्ष के लोगों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। पीड़ित पक्ष ने अस्पताल वालों पर प्रसूता को नशे का इंजेक्शन देकर डिस्चार्ज करने और डिलीवरी के दौरान हॉस्पिटल के प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा गर्भवती के पेट पर अनावश्यक दबाव की वजह से ही नवजात की मौत हुई। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष को जमकर शांत किया। पीड़ित पक्ष सदर कोतवाली में हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और इन्होंने जो नीलम डॉक्टर है मां सावित्री हॉस्पिटल, इन्होंने इंजेक्शन लगाया बहू को जी, ठीक है। उसके बाद में बच्चा डिलीवरी हुआ और जो नर्स है उन्होंने ऐसे करके बच्चे पे रख रहा जी। बच्चा मरखाल में, उन्होंने पानीपत रिवर्स करवाया मृतक हालत में, मरखाल में जी हाँ। और बहू को इंजेक्शन का, बेहोशी का इंजेक्शन लगा के और वहाँ भेजा उनको, ठीक है नॉर्मल है। तो अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर लोग? डॉक्टर लोग अब इनकी बात सुन रहे हैं हम। अच्छा, तो कुछ कहा नहीं उन्होंने जी? उन्होंने मेरे बहू का केस खराब कर दिया। सुबह ही एडमिट कराई थी हमने 9 बजे जी। 9 बजे के बाद इन्होंने कही कि बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, वो बच्चा भी जच्चा भी दोनों ठीक ठाक रहेंगे, कोई चिंता ना करो जी। फिर मैं कहने लगी थी अब भी बता दो, हम इसे ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे, कहीं कोई से भी काम हम किसी और के भी ले जा, कहीं भी ले जा। हम इसको इन्होंने गुमराह कर रखी, नहीं ऐसे ना कहो, तो हम नॉर्मली बच्चा करके देंगे, नॉर्मली बच्चा करके देंगे। करती रही मैं 6-7 मेरे कुछ अमन करती रही, अजी तुम बता दो, तो इन्होंने नहीं बताया, गुमराह करी रखी। फिर ये उसे अंदर लेके गई 5:30 बजे, उसके बाद नहीं पता उस बहू के साथ इन्होंने ऐसा करा। वो बहू अब मतलब बच्चा होया जब इन्होंने ऐसा करके करा, उस बहू का बहुत केड़ा केड़ा नीले हो रहे। फिर उसने इन्होंने लगा दिया बच्चे को लेकर, तो एक जनी चली गई एक तरफ को और उसके लगा दिया इन्होंने इंजेक्शन बहू का बेहोशी का। उसे तो होश आया आज, जैसे वो जुबान ना खोल सके, आज उसने हमें सब कुछ बताया। इन्होंने जिस आर के कागज नहीं दिए, भेजे लेने बच्चे जब नहीं दिए, आज नहीं दे रहे, और जितना वो बहू वो करा जब नहीं दिए। और बच्चे की हालत कैसी? बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे एक्सपायर हो गया था भाई साहब, होगा था जब ही जी, जब ही होगा था इनके हाथों से ही। तो अब क्या कह रहे हैं लोग? अब क्या कह रहे हैं लोग? जब ही होगा था, अब ये लोग कह रहे, इन्होंने जबरदस्ती वहाँ को लिखा, जो वो डॉक्टर बैठा क्या नाम है, पानीपत वाला, हाँ पानीपत को लिख दिया जी, अनुका वहाँ ले जाओ। तो उन्होंने कही के तो बच्चा रास्ते में ही खत्म था, तो खाना खाए से ले, मतलब बच्चे के ऊपर दवाई गोली कर रही है, और उसके मरे हुए के ऊपर दवाई गोली करवाए जा रहे हैं। ये फोन कर कर के ये करवा रहे डॉक्टर, इसकी दवाई गोली करते रहो तुम, 2-4 मिला टीचर रखो यहाँ। तो अब क्या? तारीख में लड़की एडमिट हुई थी जी, जो प्रेग्नेंट थी, उसका नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हुआ था जी, उसे पानीपत रेफर कर दिया था, वो एक्सपायर हो गया जी, उसकी इन्होंने क्रियाक्रम कर दिया था। अब उसकी ये अपने कागज वगैरह लेने गए थे, इसी कारण इनका हंगामा हो गया। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब के खिलाफ तहरीर देना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने लापरवाही बरती। अब ये हम तो डॉक्टर हैं जी, जो तहरीर देंगे उसकी जाँच हो जाएगी।